घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का? रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना? जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं, जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9770434886, नितेश कपूर 9827537488। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश के बाद खंडवा जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा डीजे और साउंड सिस्टम संचालकों की एक बैठक पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित की गई। एसडीएम अरविंद चौहान और सीएसपी अरविंद तोमर ने डीजे संचालकों को समझाइश दी कि आपके डीजे अब शादी विवाह सहित अन्य कार्यक्रमों में नहीं बजाए जाएंगे। आप लोग किसी भी कार्यक्रम के लिए दो स्पीकर से ज़्यादा नहीं लगा सकते, जिसको लेकर डीजे संचालकों में काफ़ी नाराजगी भी दिखाई दे रही है। आज आप कंट्रोल रूम में आपकी बैठक रखी गई थी, क्या कुछ समझाइश दी गई डीजे संचालकों को? डीजे संचालकों को अभी बोल दिया गया है कि पूर्ण तरह ही लगभग बंद, वो दो बॉक्स का बोल रहे हैं, दो बॉक्स एक या दो बोल रहे हैं, तो ये सब पॉसिबल है ही नहीं कि दो बॉक्स अपन को इसी भी गाड़ी पे लगा दें, इससे ज्यादा जनरेटर की आवाज आ जाएगी। और यहाँ तक तो ठीक है, अगर किसी पार्टी वाला कोई आदेश देता है या ऑर्डर देता है या जो भी, तो भाई हमारे यहाँ लगाना डीजे, अगर उसको बोलेंगे 4,000 या 5,000 तो दो बॉक्स में कोई देगा नहीं, 1,000 से ज्यादा देगा नहीं, 1,500 तो गाड़ी का भाड़ा है, डीजल है, जनरेटर है, बजाने वाला ऑपरेटर है, उनका क्या होगा? तो ये तो कुल मिला के हमारे पेट पे लात मारने जैसा हो गया है। आगे और क्या रणनीति होगी? अब क्या, अब इन्होंने तो आदेश दिए, बोले हमारे पास ऊपर से आदेश है, बाकी हम अब हमारा हम भी सोचेंगे हमको क्या करना है आगे। और डीजे सभी जगह प्रतिदिन करते, शादी विवाह में बजाना है? हाँ, हर जगह शादी विवाह धार्मिक या जो भी है, टोटल कथा हो हर जगह ही बंद कर दिया लगभग। क्या लगता है आपको? देखिए अब हम भी कुछ करेंगे, कुछ समझ के आगे के लिए कुछ करेंगे, ऐसा ही चलता रहा। क्या नाम से? मेरा नाम गोविंद चौधरी। डीजे क्या नाम से तुम्हारा? लक्की डीजे। तुम्हारा क्या नाम से डीजे? क्या हुआ क्या हुआ बताओ? यही हुआ है कि प्रशासन के जो नियम है, हमारे हिसाब से पूरी तरह डीजे हमको बंद रखना पड़ेगा, और उससे हमारा जरा सा भी गुजारा नहीं होगा। और अभी क्या बोला गया है? बोला ये गया है 60 या 70 डिस्मिल से ज्यादा वॉल्यूम चाहिए, वो तो हम जो बात कर रहे हुए उतने मतलब डिस्मिल तो यही हो जाता है, डिस्मिल नहीं डिसेबल नहीं हो जाता, उसका मतलब हम दो स्पीकर ज्यादा नहीं लगा पाएंगे तो हमें कोई काम नहीं आएगा। और एक डीजे पे कम से कम 10 लोगों का पेट भराता है, ऑपरेटर से लेके डीजे मालिक, उसके अंदर 2-3 वर्कर काम करते हैं, फिर हमारे फैमिली भी है पूरे डीजे पे, वही हम लोग निर्भर है, क्योंकि हम आज से नहीं 15-16 साल से साउंड का काम कर रहे हैं, और एकदम से प्रतिबंध करने से हमारे पास दूसरा व्यवसाय नहीं है। अरे आओ अध्यक्ष महोदय, कारण हमारे परिवार का भरण पोषण प्रशासन तो ठीक है, उनके ऊपर से आदेश चल रहा है, पर बाकी मुख्यमंत्री जी तो नहीं भरने वाले हमारे घर का राशन, इसलिए हम मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करेंगे कि हमें भी जैसे 10 बजे से 6 बजे रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक हम डीजे प्रतिबंध रखेंगे, बाकी दिन में हमें काम करने की अनुमति नहीं। अभी कितने क्या बजाने का बोल रहे हैं? अभी जो उन्होंने रूल दिए उस पॉसिबल में तो हम साउंड बजा ही नहीं सकते, उसके लिए तो शायद हो सकता है पार्टियों को घर से ही होम थिएटर लेके आना पड़ेगा घर से, और वही बजा के उनको एंजॉय करना पड़ेगा। क्या नाम है तुम्हारा? रवि नायक। आज जो बैठक भाई जरा चुपचाप तो हो जाए, क्या कुछ निर्देश यहाँ से दिए गए, क्या लगता है आपको? यहाँ से शासन प्रशासन का नियम तो यही है कि आप कुछ भी साउंड नहीं बजा सकते। आज हमारे समस्त भाई लोग 5 कंट्रोल रूम में उपस्थित हुए, हमें हर क्षेत्र से थाने से संपर्क किया गया और यहाँ 5 कंट्रोल रूम में उपस्थित हुए हम, और जो भी गाइडलाइन बते उन्होंने ये तो क्लियर कर दिया स्पष्ट कि कोई साउंड नहीं बजा पाएगा। आज मेरे समस्त भाइयों ने कोई स्थिति में बैंक से कर्ज लेके रखा है, उसने किस हालत से कर्ज लेके रखा है, कोई अपना परिवार पालन पोषण किस तरह कर रहा है, ये ऊपर के आला अधिकार नहीं जानते। यहाँ जो जमीन के स्तर पे जो हम कार्य करते हैं, हमारे घर परिवार को राशन और पेट भरते, ये स्थिति हम लोग जानते हैं। हम तो शासन प्रशासन से हमेशा सहयोग में रहे, बट आज माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो अचानक से आदेश और नियम दिए धार्मिक स्थलों पर तो ठीक है, लेकिन हम शादी समारोह में खुशियों के लिए कभी 1 और 2 घंटे के लिए सामूहिक ये कार्यक्रम होता है, फिर हम हमारे घर चले जाते हैं। आज हमने बैंक से कर्ज लेके रखा है, इसकी भरपाई कौन देगा? पूरे साल और ऐसा एक आदेश क्यों पारित करते हैं भैया कि आज ये बोल दिया ठीक है,
आदेश जारी कर दिया। आज एक आदेश ऐसा भी निकाल दो कि जितना कर्ज लेके रखा उसका कर्ज भी माफ हो बैंक द्वारा। बस इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। भैया ये बताइए आज जो बैठक रखी गई थी आज कंट्रोल रूम में माननीय SDM महोदय और CSP साहब यही साहब ने सभी DJ संचालकों को बुलाकर ये समझाइश दी है कि मध्य प्रदेश शासन के जो नए नियम है उन नियम के अनुसार आप 2 बाक्स से ऊपर नहीं बजा सकते। अगर उससे ज़्यादा आपको बजाना है तो या तो इंडोर स्टेडियम हो या कोई डोम की व्यवस्था हो। जितने ये DJ संचालक हैं सभी लोग बहुत गरीब स्थिति के हैं। किसी ने बैंक से कर्ज लिया है, किसी ने अपना सोना गिरवी रखकर ये जो है DJ खरीदा है, और एक रोजगार के माध्यम से ये सब लोग अपने परिवार की मुश्किल से व्यवस्थाएं कर पा रहे हैं। ठीक है, हम शासन प्रशासन की गाइडलाइन मानने को तैयार हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी एक निर्देश में ये गाइडलाइन जारी करी थी कि 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक नियम के अनुसार कोई भी DJ या अन्य ध्वनि वादक यंत्रों को जो है वो बंद कर दिया जाए। हम उस चीज को मानने को तैयार हैं। और जितने धार्मिक स्थलों पर जो साउंड की व्यवस्था है वो निकाली गई है वो ठीक है, वो होना चाहिए थी, वो बहुत अच्छा निर्णय है। लेकिन ये जो DJ वाला निर्णय, जहाँ टेंट लगेगा वहाँ साउंड बजेगा, जहाँ टेंट लगेगा वहाँ लाइट लगेगी, जहाँ टेंट लगेगा वहाँ बैंड वाले आएंगे, जहाँ टेंट लगेगा वहाँ केटर्स का काम होगा, ये लड़ाई अकेले DJ वालों की लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई में पूरा मध्य प्रदेश ईंट से ईंट हम बजा देंगे और मुख्यमंत्री के भोपाल में बंगले के सामने हम लोग धरना देंगे। और उसमें एक अकेला DJ वाला नहीं होगा, उनके साथ में लाइट वाला भी होगा, साउंड वाला भी होगा, केटरिंग वाला भी होगा, हलवाई भी होगा और टेंट वाला भी होगा। और अगर हमारी इन मांगों को नहीं माना गया हम आपके नियम से चलेंगे। ठीक है, आप हमको जलसे जुलूस में 2 बाक्स की अनुमति देते हैं, हम उसको मानने को तैयार है। पर महिला संगीत है, किसी का जल समारोह है, बाना है, इनमें सब में DJ की अनुमति हो, हम सारे मापदंडों का पालन करेंगे, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी रोजी रोजगार से जो भी हमारे आड़े आएगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो फिर कोई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतनाम सिंह हो रहा है, मैं फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश टेंट वेलफेयर एसोसिएशन का प्रदेश महासचिव। हर नारी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण, और जब स्वर्ण आभूषण की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर्स, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी, खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर्स का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ, और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के आगे।